तो यहाँ से आपको बस मिलेगी खाटू श्याम, चंडीगढ़, कटरा, बैजनाथ, पंचमुखी, शिमला के लिए बस मिल जाएगी, हरिद्वार के लिए भी यहाँ से बस मिल, देख सकते हो ये DTC ट्रांसपोर्ट है, ये आपको आनंद विहार पहुँचा देगी। दोस्तों हेलो, दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजसारवान में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी तरह की वीडियो मिलती रहती है बस स्टैंडों की, तो मैं आज आया हूँ गुरुग्राम के बस स्टैंड पर, जो गुरुग्राम के नाम से ही जाना जाता है, नाम चेंज कर दिया अभी। तो हम दिखाएंगे यहाँ से कहाँ को कहाँ के लिए बस मिल जाएगी और कहाँ कहाँ के लिए बसें, कौन कौन सी बस मिलती है, रोडवेज हरियाणा, रोडवेज यूपी, रोडवेज राजस्थान, रोडवेज दिल्ली के लिए बस, आनंद विहार के लिए बस, आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप बने रहे वीडियो पर और नए हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लो गाइस, लाइक नहीं करते हो आप और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो चलते हैं बैक कैमरे को और दिखाते हैं आपको। मुझ पे नजर रखना मेरी जान, माँ कसम नजारा बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये सामने आ रही है वो हरियाणा रोडवेज है और ये गुड़गांव से सोहना बाउंड्री सी होते हुए पलवल और आगरा जाएगी, नू बड़कली और फिरोजपुर देख सकते हो पूरा, और ये टैक्सी वगैरह मिल जाएगी आपको आनंद विहार के लिए। देख सकते हो ये धारोड़ा, रेवाड़ी, मानेसर, बिलासपुर, पचगांव ये बस खड़ी है आप देख सकते हो। तो यहाँ से करते हैं हम एंट्री, ये बस स्टैंड का एंट्री गेट है गुड़गांव का, आप एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा बस स्टैंड और कहाँ से कहाँ को बस मिलेगी आपको दिखाने वाले हैं इसमें बस स्टैंड वीडियो में। तो सामने से बस आ रही है 218 सोहना बस स्टैंड जाएगी आप देख सकते हो, और शौचालय की उत्तम व्यवस्था है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो सामने जो ग्रीन कलर की बस खड़ी है हरी वाली, ये दिल्ली जाएगी, ये आपको 15 रुपए में आनंद विहार पहुँचा देगी गाइस, गुड़गांव से 15 रुपए लगते हैं। और देखो ये हरियाणा रोडवेज है सामने, गुड़गांव से पटौंदी गुड़गांव देख सकते हो ये बस, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको पास में ही कैंटीन मिलेगा, खान पान कर सकते हो आप यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी की बोतल वगैरह ले सकते हो। और ये आप जो देख रहे हो अभी ये गुड़गांव का बस स्टैंड है, यानी गुरुग्राम नाम चेंज कर दिया देख सकते हो, और ये हरियाणा रोडवेज बस खड़ी है, और जैसे कि देख सकते हो वो है टिकट काउंटर, देख आप देख सकते हो ये कैंटीन है छोटा सा, और देख सकते हो ये टिकट काउंटर है, ये गुड़गांव टू चंडीगढ़ के लिए यहाँ से टिकट मिलेगी गाइस देख सकते हो पूरा। और यहाँ से जयपुर से अजमेर, चंडीगढ़, कटरा, शिमला, बैजनाथ, पंचमुखी यहाँ से टिकट मिल जाएगी देख सकते हो पूरा। ये बस खड़ी है गुड़गांव से चंडीगढ़ सेक्टर 17। इधर भी कैंटीन बनाई गई है एक, और ये हरियाणा रोडवेज है यहाँ से प्रस्थान करेगी, और यहाँ से आपको ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस है ये सारी, ये आपको दिल्ली में आनंद विहार में एसी बस है दोस्तों लगभग। तो यहाँ पर आप पूछताछ कर सकते हैं, तो ये पूछताछ केंद्र है और देख सकते हो यहाँ पे, और ये नंबर भी है आप देख सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। यात्री वाहन ठहराव के सामान में कोई जिम्मेदारी नहीं है, लिखा पड़ा है डायरेक्ट और देख सकते हो पूरा, और इंक्वायरी नंबर भी है, आप इन पर कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हो। ये दिल्ली कॉरपोरेशन DTC बस लगी हुई है, ये आपको आनंद विहार, बदरपुर बॉर्डर, ये आपको एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, ये आपको पहुंचा देगी। और ये भी आपको सरायका लिखा, ये जो बस दिख रही है आपको येलो पट्टी में मेवात सी, तो ये आपको गुड़गांव से फिरोजपुर, अलवर वगैरह भी जाती है ये, और दिल्ली भी जाती है सरायका लिखा तक, ये देख सकते हो। गुड़गांव से झज्जर, फरुखनगर, दादरी जाएगी ये बस आप देख सकते हो, ये गुड़गांव का बस स्टैंड है, और ये देख सकते हो मेवात ट्रांसपोर्ट, ये दौलकुआ, सरायका लिखा, सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, साउथ एक्स, मारानी बाग, ये वहाँ से होके जाएगी ये बस आप देख सकते हो पूरा। और ये 210 नंबर बस है, ये गुड़गांव के अंदर चलती है, गुड़गांव से बाहर नहीं चलती है बस, और ये दिल्ली से गुड़गांव ये बस खड़ी है आप देख सकते हो। और ये घूम के कुछ इस तरह बस है देख सकते हो आप पूरा, कितना बड़ा बस स्टैंड है। और जो सामने बस खड़ी है ये झज्जर गुड़गांव, ये थोड़ी प्राइवेट बस लग रही है मुझे HR, आप देख सकते हो ये पूरा गुड़गांव का बस स्टैंड है दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी सारी बस लगी हुई है, हरियाणा रोडवेज भी है और जो गुड़गांव के अंदर चलती है वो बस भी है, और यहाँ पर देख सकते हो पानी वगैरह की भी उत्तम व्यवस्था है यहाँ पर, और शौचालय की भी, वो शौचालय है, यात्रीगण वहाँ पर भी खड़े हुए हैं। और 119 नंबर गुड़गांव बस अड्डा,
देख सकते हो। और ये अभी अभी बस आई है, कहाँ से आई है मैं अभी आपको बता दूंगा कहाँ से आई है बस। ये बस पलवल से आई हुई है गुड़गांव तक। और ये उत्तर प्रदेश परिवहन भी मिल जाएगी आपको, मथुरा बल्लमगढ़ आगरा गुड़गांव आगरा सुबह 7:30 बजे। तो ये गुड़गांव से मथुरा आगरा देख सकते हो पूरा। और ये आपको गुड़गांव सोना पलवल नू फिरोजपुर जिलका अलवर मथुरा ये समय सारणी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो पूरा। ये टिकट काउंटर है तो देख सकते हो। बल्लमगढ़ फरीदाबाद के लिए आवाज लग रही है इन बसों की, यो इफ्को चौक गुड़गांव वो बस भी जाएगी यहाँ से। ये पलवल डीप हो अभी अभी आई है बस। और देखो ये सब देख सकते हो, ये हरियाणा रोडवेज वाव सुहाना सफर। ये आगरा गुड़गांव देख सकते हो आप, बल्लमगढ़ मथुरा ईदगाह जाएगी ये बस। ये 218 नंबर है ये गुड़गांव में चलने वाली बस। ये राजीव चौक से होते हुए सुभाष चौक बहादुरसर मौनसी जाएगी ये। और ये शौचालय की उत्तम व्यवस्था ये बहुत बढ़िया लगी मुझे, देख सकते हो सेवा शुल्क 5 रुपये है इसके अंदर। तो ये भी गुड़गांव से ये सोना बस स्टैंड पर जाएगी। और दोस्तों देखो देख सकते हो ये टनकपुर उत्तराखंड डीपो है वन बसा टनकपुर रुद्रपुर खटीमा देख सकते हो आप। और ये भी हल्द्वानी डीपो देख सकते हो आप, सौरव जोशी यहीं रहते हैं हल्द्वानी। और ये बस वहीं जाएगी, ये उत्तराखंड परिवहन भी आपको गुड़गांव से मिल जाएगी दोस्तों, देख सकते हो पूरा हल्द्वानी डीपो। ये भी आप देख सकते हो टनकपुर बनवसा चंपावत लोहाघाट, ये लोहाघाट निजामुद्दीन दिल्ली धौला कुआ गुड़गांव ये उत्तराखंड डिपो है दोस्तों। और एक उत्तराखंड डिपो उधर खड़ी है, मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ ये कहाँ कहाँ के लिए जाएगी। यहाँ से ये बस आती है उधर से निकलती है दोस्तों। तो ये पिथौरागढ़ गुड़गांव से बनबसा पिथौरा जाएगी दोस्तों, ये देख सकते हो ये उत्तराखंड परिवहन बस है। और ये ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हो, यहाँ पर आ रहा हो गया utconline.com देख सकते हो। तो देख सकते हो टनकपुर बनवसा से नेपाल बॉर्डर तक ये बस जाएगी दोस्तों, देख सकते हो लिख भी रहा है। तो दोस्तों वीडियो में आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा यार, जानकारी मिल रही है तो लाइक जरूर करना। और ये देख सकते हो आप वंश कोच आ गई है, प्राइवेट बस है। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना यार, और कमेंट में कुछ भी पूछ लेना, तुम्हारा भाई सब कुछ जवाब देता है यार, कमेंट करना। और इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे राजसरवान से यूजर नेम में, यहाँ इधर उधर होगा कहीं देख लेना। तो जाओ यार फटाफट फॉलो करो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई से। काउंटर है दोनों देख रहे हो आप, ये भी टिकट काउंटर है ये भी। और कहाँ के लिए, झज्जर भिवानी चरखी दादरी के लिए बस मिल जाएगी। और टाइमिंग के साथ साथ भी आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, देखो पूरा मैं दिखा दूंगा आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो टाइमिंग भी है, रूट नंबर भी है, समय भी है, डिपो का नाम भी है, आप देख सकते हो पूरा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ समय सारणी है हरियाणा राज्य परिवहन गुड़गांव के बस स्टैंड पर, ये सबकी सोहना से लेकर पलवल नूह फिरोजपुर अलवर मथुरा आगरा झज्जर भिवानी चरखी दादरी रोहतक जिंद हिसार सिरसा गुड़गांव चंडीगढ़ कटरा शिमला बैजनाथ पंचमुखी पटौंडी कोसली रेवाड़ी नारनौल जयपुर अजमेर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सारणी लग रही है इसमें तो अच्छी क्वालिटी आ नहीं रही, मैं आपको इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो यूजर नेम यहीं पर आऊंगा राज सरवन करके। पहले फॉलो करना फिर बाद में आपको ये देखना और लाइक करना। दोस्तों ये पूरी समय सारणी गुड़गांव से कहाँ के लिए कैसे बस मिलेगी सब मैं आपको इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको बस मिलेगी खाटू श्याम चंडीगढ़ कटरा बैजनाथ पंचमुखी शिमला के लिए बस मिल जाएगी, हरिद्वार के लिए भी यहाँ से बस मिल जाएगी। और आप देख सकते हो यहाँ पर एटीएम की व्यवस्था भी है, इंडसइंड बैंक का एटीएम है देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये बस आपको दिल्ली चल रही है देख सकते हो, ये DTC ट्रांसपोर्ट है, ये आपको आनंद विहार पहुँचा देगी दोस्तों टाइम से ही, और काफी बसें यहाँ पर खड़ी हुई है। तो दोस्तों अभी हम बाहर चलते हैं, बाहर से आपको दिखाते हैं ऑटो वगैरह की सर्विस है।
यहाँ से ऐसे एग्जिट होते हैं, देख सकते हो पूरा। तो ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, आप देख सकते हो पूरा। और ये कुछ बस इधर भी खड़ी होती है गाइस, और शौचालय भी है इधर, यहाँ से भी एग्जिट हो जाती है। देखो नरेला वगैरह के लिए बस जा रही है यहाँ से, बहादुरगढ़ हरियाणा रोडवेज, ये भी एक्सप्रेस। तो ये बस स्टैंड के बाहर है, यहाँ रेवाड़ी भिवाड़ी के लिए भी बस मिल जाएगी, देख सकते हो आप पूरा रेवाड़ी भिवाड़ी है, देख सकते हो आवाज भी लग रही है। और उधर एक्सिस बैंक का एटीएम भी है, और शीतला माता मंदिर के लिए भी ये ऑटो वगैरह जाते हैं, आप जा सकते हैं यहाँ से पूरा। ये यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है, पकौड़े वकौड़े मिल जाएंगे। ये पटौंदी जा रही है 528 नंबर, देख सकते हो पूरा ये बस आज मार रहे हैं। देखो दोस्तों, आप बस स्टैंड से थोड़ा बाहर निकलते हो तो आपको गुड़गांव में चलने वाली ये बस मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा बाहर चलोगे तो ये सारी बसें वहीं पे खड़ी होती हैं, यहाँ पे मिल जाएगी आपको बस। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, आपको गुड़गांव में जहाँ कहीं के लिए भी जाओगे ना अंदर, तो ये बस चलती है ब्लू वाली, ये दिख रही है आपको नीली नीली। और ये देखो आनंद विहार जाएगी ये बस, आपको आनंद विहार देख सकते हो पूरा। और अभी हम बस स्टैंड पे चलेंगे, अभी बस स्टैंड के बाहर है हम, तो ये सारी बस लगी हुई है। तो ये गुड़गांव के अंदर चलती है गाइस, ये देख रहे ना, वही 15, 5 और 10 रुपए किराया है यहाँ पे, लास्ट 15 रुपए किराया है, आप देख सकते हो ये सारी बस लगी हुई है। और अभी चलेंगे हम वहाँ उधर की साइड में, और वहाँ पे वो है इसी बस में अभी मैं आया हूँ ट्रेवल करके, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया सुविधा है, अच्छे से व्यवहार करते हैं ड्राइवर एंड कंडक्टर, बहुत अच्छा लगा इनका व्यवहार मुझे, देख सकते हो पूरा यहाँ से आपको मिलेगी जो गुड़गांव में अंदर चलती बस, देख लो एक बार। ये देख लो ये होटल है, इस होटल के सामने ये आपको बस मिल जाएगी, ऑटो की सर्विस भी मिल जाएगी। दोस्तों ये रोड बस स्टैंड को ही जा रहा है, ये बस स्टैंड को सीधा जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे बटन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। और मुझसे बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। सारा सिस्टम पाड़ देंगे।